हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आप स्वागत है आपको हमारी एक नई वीडियो पर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आज जिस किसी के 2 व्यू 4 व्यू 6 व्यू आके रुक जाते हैं, या 1000 1500 व्यू आके रुक जाते हैं वीडियो पर, या 10 20 व्यू आके रुक जाते हैं आपकी वीडियो पर, उसको वायरल करने का सबसे बढ़िया तरीका, आसान तरीका, एक साथ वायरल वीडियो हो जाएगी और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ अपना टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप अपनी वीडियो बनाते हो, सबसे पहले आप बढ़िया सा थंबनेल बनाओ, जैसे कि मनोज दे जैसा, या जोनू के टैग जैसा, या फिर आप टैग चैम्पियन सपोर्ट जैसा। तो क्या है, आप पहले सबसे पहले आप अपना वो बनाइए थंबनेल। थंबनेल में क्या, अगर आपका थंबनेल का इंप्रेशन बढ़िया होगा तो ऑडियंस पहले से अपने आप ही खुद ब खुद आ जाएगी। क्योंकि सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं आपका थंबनेल। थंबनेल सबसे पहले आप वीडियो को स्वैप अप करते हैं या यूट्यूब खोलते हैं, सबसे पहले थंबनेल आता है। थंबनेल की वजह यही है कि थंबनेल अगर आपका अच्छा होगा, यूट्यूब भी आपकी वीडियो को प्रमोट करने के लिए, वायरल करने के लिए डालेगा, और जो भी आपकी वीडियो पर एक बार आएंगे वो सबसे पहले आपके थंबनेल को देखेंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले थंबनेल की ज़रूरत है। उसके बाद आपको अपने वीडियो के टाइटल में, टाइटल जो भी आप डालो, जिस भी रिलेटेड वीडियो, जैसे कि आप व्यू कैसे बढ़ाएं, या वायरल वीडियो वायरल कैसे बनाएं, या थंबनेल कैसा बनाएं, जो भी है आपका टाइटल डालो, उसी को टाइटल को कॉपी करके उसी को डिस्क्रिप्शन में डाल दो, और थोड़ा घना और डिस्क्रिप्शन में बढ़ा दो। एक सबसे आसान तरीका, डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद उसमें 2-3 बड़े यूट्यूबर्स का @ लगा के उनका चैनल मेंशन करो, ताकि आपकी वीडियो उनके भी ऑडियंस के पास जाए। क्यों, और अगर आप मान के चलो उनका यूट्यूब चैनल का वो लेते हो, मान के चलो मनोज दे को लेते हो, @मनोज दे का आपने उसमें वीडियो का वो डाल दिया, आपने भी मतलब चैनल का वो डाल दिया, तो उसके बाद क्या है कि आपकी वीडियो मनोज दे के ऑडियंस के पास जाएगी। ऑडियंस के पास जाएगी तो वो ऑडियंस आपकी भी होगी, धीरे धीरे आपको भी सब्सक्राइब करेंगे। क्यों, क्योंकि मनोज दे भी टैग बनाते हैं और आप भी टैग बना रहे हो, या जैसे भी आपकी जो भी कैटेगरी का चैनल है उसी कैटेगरी का आप उठाओ, जैसे कि मिस्टर इंडियन हैकर है, या क्रेजी XYZ है, मतलब वगैरह वगैरह बहुत हैं। तो इसीलिए आप उसमें 2-3 यूट्यूबर्स का चैनल को अपने में उसमें वो मारो। उसके बाद अब अपने उसी के नीचे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन को ख़त्म करने के बाद उसमें टैग में आने के बाद सबसे पहले आप अपना टैग डालो, किस रिलेटेड चीज़ से टैग, जैसे कि आपका टैग से है, या स्पोर्ट्स से है, या आपका एजुकेशन से है, या आपका मतलब टिक एंड ट्रिक है, या फैक्ट है, या फिर सॉन्ग है, जो भी है। सबसे पहले फिर आपको उसमें अपना वो देना है, टैग देना है। टैग में क्या है, जैसे कि मेरा चैनल है, मैं अपना टैग दे रहा हूँ, यानी कि मैं टैग का बताता हूँ, तो मैं अपने में टैग डालूँगा यूट्यूब, मतलब यूट्यूब से रिलेटेड के फैक्ट डालूँगा, और टैग में जो भी है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको वीडियो सीधी पब्लिक नहीं करनी है, उसको फिर करो अनलिस्टेड करो, वीडियो को अपलोड करने से पहले अनलिस्टेड करो। अनलिस्टेड करने के बाद फिर आप वीडियो अपलोड मारो, वीडियो अपलोड लग जाएगी। जब फुल वीडियो अपलोड लग जाए उसके बाद आपको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट या आपका भी जो भी टाइम है, अगर आपका मान के चलो शाम के 6 बजे या सुबह के 8 बजे, जो भी आपका टाइम है, उस टाइम अपना उस पे जाके, पब्लिक पे जाके, शेड्यूल का आता है, शेड्यूल पे जाके अपना टाइम फिक्स कर दो, जैसे कि आपका 8 बजे टाइम है सुबह के, मॉर्निंग का 8 बजे, और आज जैसे 22 तारीख है, 23 तारीख है, जो भी 23 तारीख और सुबह 8 बजे AM पे कर दो, तो ऑटोमेटिक अनलिस्टेड के बाद सीधा आपकी वीडियो 8 बजे अपने आप ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि अनलिस्टेड में क्या है, यूट्यूब पहले देख लेगा, अनलिस्टेड होने के बाद वो यूट्यूब देख सकता है उसको, और कोई नहीं, हम एक जो ओनर है वो देख सकता है, और एक यूट्यूबर है, यूट्यूब है वो देख सकता है। क्या उसमें यूट्यूब पहले अपनी पूरी वो देख लेगा यूट्यूब वीडियो में कि इसमें क्या होने, क्या बताया है, क्या इसमें सही है, बताने लायक है या नहीं है, जो भी है उसी हिसाब से यूट्यूब उसको मतलब वायरल करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए पहले उसको अनलिस्टेड करो, अनलिस्टेड करने के बाद उसको शेड्यूल पे लाओ, शेड्यूल पे या पब्लिक पे जितने भी बजे आपका वीडियो अपलोड होगा उसी हिसाब से आप अपने वीडियो को अपलोड मारो। शेड्यूल पे करोगे तो सुबह 6 बजे जो भी आपका टाइम है उस बजे शेड्यूल पे लगा दो, उसके बाद अपलोड कर दो। उसके बाद आप 20-25 मिनट के बाद अपने आप ही वीडियो को देखना कि उस पर ऑटोमेटिक इतने व्यू आ जाएंगे कि आपकी वीडियो चुटकियों में वायरल हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका ये है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय जय भारत।